जी देखो, आप लिखा हुआ है डोंगरगढ़ को बमलेश्वरी माता का मंदिर भी दिखता है। सीढ़ी के ऊपर फोकस करती हूँ। जन शताब्दी एक्सप्रेस गोंदिया से रायगढ़, और इस ट्रेन में हम अभी बैठ के आए हैं डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आ चुकी हूँ डोंगरगढ़ के रेलवे स्टेशन देखो, आप लिखा हुआ है डोंगरगढ़। तो चलो आज आपको सबसे पहले डोंगरगढ़ का रेलवे स्टेशन दिखा देते हैं। ट्रेन अभी इस प्लेटफॉर्म पे आई थी और ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1। तो अभी हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे उतरे थे। यहाँ पे मे आई हेल्प यू सेंटर है और ये लिखा हुआ है डोंगरगढ़। यहाँ पे टाइम डिस्प्ले हो रहा है और अभी बज रहा है 1। अनाउंसमेंट वहाँ से होता है। ये है रेलवे ट्रैक, प्लेटफॉर्म नंबर 1 इधर है और उसके बाजू में दूसरा प्लेटफॉर्म भी है। ऐसा सीढ़ी बना हुआ है ऊपर से इसे कनेक्ट होके आने के लिए। इस तरफ डस्टबिन भी है सूखा और गीला कचरा डालने के लिए, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी अच्छी वहाँ पे पेंटिंग्स बनी हुई हैं। और यहाँ पे है, अगर आपको चिप्स कुरकुरे कुछ खाना है तो वो भी ले सकते हैं। बैठने के लिए चेयर्स भी बनी हुई है, इस तरफ भी बनी हुई है, यहाँ भी बनी हुई है। तो ये है सीढ़ी, इस सीढ़ी से चढ़ के आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे जा सकते हो। ऊपर शेड भी लगा हुआ है और यहाँ पे फैन भी है जो कि चल रहा है, क्योंकि अभी गर्मी का बहुत ज़्यादा टाइम है तो गर्मी होता रहता है। यहाँ पे बना हुआ है बैठने के लिए। तो अभी हम ये सीढ़ी से चढ़ते हैं और चलते हैं ऊपर। तो अभी सीढ़ी से चढ़ चढ़ के ऊपर जा रहे हैं और उसके बाद दूसरे प्लेटफॉर्म में जाएंगे। और यहाँ पे पीने के लिए पानी भी रहता है और अभी बहुत ज़्यादा क्लीन भी है रेलवे स्टेशन। ये दूसरा अभी प्लेटफॉर्म बना है जो कि स्टार्ट नहीं हुआ है। और जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे दिखता है प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 जाने के लिए एरो दिया रहता है। तो रेलवे स्टेशन से आपको बमलेश्वरी माता का मंदिर भी दिखता है। तो देख सकते हो पहाड़ों के ऊपर बना हुआ है माता का मंदिर। और यहाँ पे दिख रहा है इंडियन फ्लैग, हमारा इंडियन फ्लैग भी हवा में बढ़िया लहरा रहा है। और ये है पूरा ऊपर से रेलवे स्टेशन का नज़ारा। ये रेलवे स्टेशन के ऊपर का नज़ारा है और अभी यहाँ से जा रही है मालगाड़ी, और मालगाड़ी में बहुत सारा कोयला भरा हुआ है। ये क्रॉस करने वाला है प्लेटफॉर्म पे, एक से दूसरे में जाने वाला है। और ये बहुत ज़्यादा साफ सुथरा, एकदम क्लीन है, अच्छा लग रहा है। और इस तरफ से गाड़ियाँ जा रही है। तो अभी हम ये प्लेटफॉर्म से ये क्रॉस करके अभी जा रहे हैं हम नीचे। और नीचे आपको, नीचे मैं आपको टिकट काउंटर दिखाऊंगी, वहाँ पे टिकट काउंटर है। तो सीढ़ी के ऊपर फोकस करती हूँ क्योंकि ऐसे बनाते बनाते मैं सीढ़ी से भी गिर सकती हूँ। नो पार्किंग एरिया है लेकिन उसके बाद भी गाड़ियाँ यहाँ कुछ कुछ पार्क कर देते हैं। और इस तरफ से सीढ़ी से अभी हम चल के आए हैं। और ये वाला जो प्लेटफॉर्म है ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें अभी बन रही है। दोनों तरफ टिकट काउंटर है। तो इस तरफ जो टिकट काउंटर और वेटिंग हॉल है वो आपको दिखा देते। इस तरफ SBI का ATM भी है, तो ये देख सकते हो यहाँ पे SBI का ATM भी है। इसके बाद इधर पे, यहाँ पे टिकट घर है और वेटिंग हॉल भी है। बहुत बड़ा नीम का पेड़ है और इस तरफ भी कुछ है लेकिन वो अभी स्टार्ट नहीं है, बंद है। यहाँ पेड़ लगने की वजह से अच्छा छाया रहता है, तो आप अच्छे से वेट कर भी सकते हो, अंदर भी कर सकते हो, बाहर भी कर सकते हो। उसके बाद ऐसा बना हुआ है जाने के लिए, तो अभी इससे हम जाते हैं। यहाँ पे ऐसा शेड लगा के बहुत ही ज़्यादा बड़ा वेटिंग हॉल बना है ताकि अच्छे से लोग वेट कर सकें। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये ऊपर से दिखा रही हूँ, ये देखो नीचे का व्यू यहाँ से। और ये है पूरा डोंगरगढ़ का रेलवे स्टेशन। यहाँ से अभी हम नीचे चलते हैं और अभी हमको जाना है बाहर। है डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन वेलकम। और यहाँ पे अभी कुछ कुछ नया बन रहा है, तो ये जो रेलवे स्टेशन बन रहा है वो नया बन रहा है और यहीं से बहुत सारे फूड स्टॉल लगना स्टार्ट हो जाते हैं। और वहाँ है बमलेश्वरी मंदिर 1 किलोमीटर। अभी हमने पूरा डोंगरगढ़ का रेलवे स्टेशन घूम भी लिया, आपको घुमा भी दिया, अभी हम निकल रहे हैं। तो आपको कैसे लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।